हेलो दोस्तों, आप भी फुटवेयर खरीदते हो तो ब्रांडेड कंपनी का ही खरीदना चाहते हो। आज मैं आपको बताऊंगी बाटा के बारे में। बहुत से लोगों को नहीं पता बाटा इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। आज इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। बाटा भारत की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनियों में से एक है। भारत में 35% से ज़्यादा फुटवेयर मार्केट में दबदबा है। एक ऐसी कंपनी जो लगती है भारतीय पर वह नहीं है भारतीय। बाटा की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को मोची का काम करने वाले थॉमस बाटा ने मध्य यूरोप के चेकोस्लोवाकिया में की थी। आज बाटा का 90 देशों में बिजनेस चल रहा है। 5000 स्टोर है। 165 देशों में बाटा हर साल 1.7 करोड़ का जूते बेचती है। भारत की बात करें तो बाटा के 1375 रिटेलर स्टोर बाटा के मौजूद हैं। थॉमस बाटा ने अपनी माँ से कुछ रुपए लेकर किराए पर 2 कमरे लिए थे और वहीं से बाटा की शुरुआत की थी। 5 साल यानी कि 1999 में उन्होंने बाटा का पहला स्टोर चेकोस्लोवाकिया में खोला था। पहले साल कुछ ठीक चला, लेकिन दूसरे साल आर्थिक संकट आ गया। थॉमस की कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। इसके बाद थॉमस ने चमड़े के बजाय कैनवास के जूते बनाने का फैसला किया। कच्चे माल सस्ते होने के कारण जूते भी सस्ते दामों में मिलने लग गए थे। फिर थॉमस ने 3 कर्मचारियों के साथ इंग्लैंड में एक जूते चप्पल की कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने वहाँ से 6 महीने तक काम किया। व्यापार की बारीकी सीखी। इंग्लैंड में लौटने के बाद थॉमस ने जूतों का प्रोडक्शन और बढ़ा दिया। 1905 तक हर रोज़ 2200 जोड़ी जूते बनाए जाने लग गए थे। जल्दी बाटा यूरोप की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी बन गई थी। इसके बाद उन्होंने एम्प्लॉयज़ पर फोकस किया और उनके लिए जूते बनाना शुरू कर दिए। इससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। कंपनी की कामयाबी के पीछे एक बड़ी वजह बाटा का छोटा नाम होना भी रहा। थॉमस ने अपने सर नेम को भी कंपनी का नाम बनाया ताकि लोगों को इसे याद रखने में ज़्यादा मेहनत नहीं। 1912 तक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 600 के पार हो चुकी थी। 1914 में कंपनी के सैनिकों के लिए जूते बनाने का एक बड़ा ऑर्डर भी मिला था। इसी वजह से कंपनी को अपने स्टाफ की संख्या बढ़ानी पड़ी। डिमांड बढ़ी तो बाटा ने जगह जगह स्टोर भी खोले। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मंदी का दौर भी आया, जिससे जूतों का प्रोडक्शन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। इस हालातों में निपटने के लिए थॉमस ने जूतों की कीमतों को आधा कर दिया था। इससे कंपनी का उत्पादन 15 गुना बढ़ गया था। इसके बाद बाटा ने दूसरे देशों में कदम रखना शुरू किया। 1924 तक बाटा दुनिया भर में 122 स्टोर थे। जूतों के अलावा कंपनी मोजे, टायर, चमड़े से बनी और भी चीज़ें बनाकर बेचने लगी। थॉमस कंपनी के कर्मचारियों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे। 1930 में उन्होंने कर्मचारियों के लिए घर, उनके बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरी और मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था भी कर रखी थी। 1932 में हुए एक हवाई हादसे के बाद थॉमस बाटा की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद थॉमस के बेटे बाटा ने पिता का बिजनेस संभाला। 1930 के दशक में जब बाटा भारत पहुंचा तो उन्होंने देखा कि भारत में ज़्यादातर लोग जूते चप्पल नहीं पहनते थे। तब उनके दिमाग में आया कि भारत में भी बाटा की जूतों का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कोलकाता से सटे कोनार नाम के एक छोटे से गांव में कंपनी की शुरुआत की। 2 साल के अंदर जूतों की मांग इतनी बढ़ गई कि कंपनी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, जिससे ये टाउनशिप बन गया जिसे लोग बाटा नगर के नाम से जानते हैं। 1935 तक बाटा दुनिया में रोज़ाना 168,000 जोड़ी जूते बनाता था। 1938 तक बाटा के पास करीब 65,000 कर्मचारी थे। अकेले भारत में उस समय सिर्फ 4,000 कर्मचारी थे जो रोज़ाना 3500 जोड़ी जूते बनाते थे। बाटा पहली ऐसी कंपनी है जिसने टेनिस बूट के डिजाइन किया। उस समय सफ़ेद कैनवास पर बनाए गए टेनिस के जूतों को खिलाड़ियों के साथ साथ लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए। 1980 के दशक में बाटा ने पेरानाग में खादी जैसी कंपनियों से अच्छी खासी टक्कर मिलने लगी थी। कंपनी ने मार्केट में खुद को आगे रखने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना शुरू किया। टैगलाइन में लिखा है कि टेनिस से सावधान रहे, इस छोटी सी चोट आपके ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए जूते ज़रूर पहने। कहा जाता है कि इस टैगलाइन के चलते भारत में जूतों की मांग बढ़ गई थी। इसके अलावा फर्स्ट टू वॉट द टू वॉट है टैगलाइन से भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था बाटा का बिजनेस। बाटा ने पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए, जिससे प्रोडक्शन पोर्टफोलियो में बढ़ावा देना, फैशन फॉरएवर और ग्लैमर स्टाइल को शामिल करना। बाटा ने ये बदलाव 13 और 14 के आसपास शुरू किए थे, जब कंपनी ने मॉडल डिज़ाइन पेश किए थे जिसे भारत बाजार में खासकर नई पीढ़ी के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किए।
समय नए समय के जनरेशन मॉडल जूते पहनना चाहती थी और बाटा के मॉडल डिजाइन में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। 1973 में जब बाटा कंपनी फेमस हुई तब बाटा कंपनी ने बाटा इंडियन लिमिटेड नाम रख दिया था। इस वजह से लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये इंडियन कंपनी है या नहीं, ये यूरोपियन कंपनी है। इसने बाद में अपना नाम चेंज कर लिया था। बाटा की अचीवमेंट, हॉल ऑफ फेम बास्केटबॉल प्लेयर इरवान जॉनसन ने बाटा के जूते पहनकर अपने करियर की शुरुआत की थी। 1994 में बाटा ने अपनी 100 वर्ष पूरे किए थे। 2001 में कंपनी ने थॉमस बाटा के नाम से यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। इसके अलावा 2004 में बाटा ने सबसे ज़्यादा जूते बनाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था। इसी के बाद उन्होंने अपना नाम बदल दिया था। 2007 में थॉमस बाटा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। ये है दोस्तों बाटा की जर्नी, जो तीन भाई बहनों ने मिलकर किराए के 2 कमरों पर ये कंपनी की नींव खड़ी की। अपनी माँ से कुछ पैसे उधार लेकर इन्होंने 2 कमरों से ही इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत की। सबसे पहले यूरोप में ही ये कंपनी फेमस हुई, उसके बाद में धीरे धीरे 165 से ज़्यादा देशों में बाटा के स्टोर मौजूद है। इसमें मेंस और वुमेंस दोनों फुटवेयर अवेलेबल है। हर तरीके के इसमें फुटवेयर आपको मिल जाएंगे। जहाँ चमड़े से इन्होंने शुरुआत की थी फुटवेयर बनाने की, आज अलग अलग मेंस के भी अलग अलग कैटेगरीज है और वुमेंस की भी इसमें अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। दोस्तों ये है बाटा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और आप कमेंट्स में बता सकते हो कि मैं आपको कौन से ब्रांड के बारे में पूरी जानकारी से बताऊँ। और प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।